गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की कटलेट। 16 केले मैंने लिए हैं, छोटे साइज के हैं। इसे धुलकर मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। इसे बॉईल करूँगी और उसके बाद की प्रोसेस मैं फिर बताऊँगी आपको। सो दोस्तों, मैंने केले को बॉईल कर लिया और उसे ठंडा करके मैश करके फिर उसमें थोड़ा बेसन मिलाया, एक कटे प्याज, थोड़े धनिया की पत्ती, लहसुन, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। और फिर मैंने ऐसे रोल बना के, लंबा रोल, और उसको तल लिया। और ये दूसरा जो है ये मैं तल रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा चटपटा कटलेट रेडी है। मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ दोस्तों। ये एक हेल्दी स्नैक्स है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, केले में आयरन होता है। और पकने से ज़्यादा ये कच्चे केले हमें ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जब ये पक जाते हैं तो इसमें शुगर भी हो जाता है, मतलब शुगर कंटेंट भी रहता है, बट कच्चे पे ये मीठा नहीं होता, इसलिए शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं और बहुत ही पौष्टिक है ये। तो मेरा सेकंड राउंड कटलेट भी रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, बहुत ही क्रंची और टेस्टी होगा। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व करूँगी। इस ठंड के मौसम में ऐसे चटपटे स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप कभी भी खा सकते हैं उसको, ब्रेकफास्ट में या जब भी आपको भूख लगे बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको भी अगर पसंद हो ऐसी चीज़ें तो आप बनाएं और खाएं। मेरी कटलेट रेडी हैं। आपको अगर आपको मेरा मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इसे ट्राई ज़रूर करें।